सुनो समाचार की ओर से मैं मनोज कुमार सिन्हा कैमरामैन नीरज कुमार के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं सारण जिले के कहलादपुर प्रखंड के गंदासपुर पंचायत के युवा मुखिया पंकज तिवारी से मुलाकात करने आया हूँ, क्योंकि ये दोबारा फिर मुखिया बने हैं। इनसे ये मैं जानना चाहूँगा, ये दोबारा मुखिया बने हैं तो ये फिर इस बार के अपने कार्यकाल में क्या करेंगे और पूर्व में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भारी मत से विजय प्राप्त की। तो आइए मैं आपको गंदासपुर के मुखिया पंकज तिवारी से मुखातिब करा रहा हूँ। तिवारी जी, आपका सुनो समाचार में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके चैनल को, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंकज भाई जी से यह जानना चाहूँगा कि अभी जो ये भारी मत से विजयी हुए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं ये श्रेय पूरे पंचायतवासी को देना चाहूँगा। अच्छा, जो अभी आप विजयी हुए हैं, पंचायत के लोगों ने आपको विजयी बनाया है, विजय किया है, तो इसके पीछे आखिर में क्या कारण है? मैंने निष्ठापूर्वक जनता का सेवा किया है, जनता के सुख दुख में सहभागी रहा हूँ जी, जिसका परिणाम जनता मुझे दी है। इन्होंने जनता के सुख दुख में परिभागी रहा है और इन्होंने जो काम किया है उससे खुश होकर के जनता इनको फिर से दोबारा मुखिया बनाई है। तो मुखिया जी, आपका आगे जो इस बार योजना, इसमें आपका क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, जिस तरह इस गंदासपुर पंचायत का इतिहास बदला है, इतिहास का मतलब यह हुआ कि आज तक इस पंचायत में दोबारा मुखिया कोई रिपीट नहीं किया जी। कोई हर मुखिया एक बार चुनाव जीते दोबारा हार गए। जनता बहुत बड़ा विश्वास दी है और इतिहास कायम की है, तो मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से जनता को रूबरू कराना चाहता हूँ, कि जनता को इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि इस गंदासपुर पंचायत में वो काम करूँगा कि एक इतिहास बनेगा। ये अच्छी बात है। आगे मैं कुछ यहाँ के विकास के बारे में आपसे बात करूँगा, जो अभी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर शिक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य, ये तीनों का लचर, तीनों की लचर स्थिति है, इसके बारे में आप क्या कहें? बहुत जल्द, एक महीना के अंदर मैं सारे व्यवस्था को सुदृढ़ करूँगा। एक माह के अंदर में स्वास्थ्य, शिक्षा और आंगनबाड़ी। जी जी, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आपके पंचायत में जनता बाजार आता है, वहाँ काफ़ी अतिक्रमण आता है, वहाँ सड़क जो है, सड़क किनारे सब लोग दुकान लगा लेते हैं, उसके बाद उन्हें आने जाने में आवागमन में काफ़ी कठिनाई होती है और वहाँ पानी का निकासी भी नहीं है, उसके बारे में आप क्या कुछ सोचे हैं? देखिए, पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण कराया जाएगा जी, और जो अतिक्रमण है उसके लिए मैं यहाँ कांचनाधिकारी महोदय से और थाना अध्यक्ष के साथ एक मीटिंग करूँगा, जिसमें इस बात का प्रस्ताव रखूँगा कि बड़े वाहनों को जो है हरपुर कोठी बाईपास होकर ललातपुर तक भिजवाने का कष्ट उन कामों को करेंगे, और जनता बाजार जो है वहाँ नाला का निर्माण हुआ, सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ, वो सब काम जो है मैं कराऊँगा। दूसरा मेरा प्रश्न यह रहेगा, यहाँ पर आपके पंचायत में श्मशान घाट है, श्री भवरनाथ मंदिर जो फेमस मंदिर है उसके निकट में श्मशान घाट है, उसका भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और वहाँ पर अभी कुव्यवस्था है। जैसे कि अगर वहाँ पर लाइट वगैरह लग जाता या वहाँ साफ सफाई होता तो लोगों को शौच जलाने में काफ़ी सहूलियत होती। कुछ लोग वहाँ पर श्मशान घाट में भी देख रहे हैं कि दुकान दौरी रख ले, इसके बारे में क्या आपका विचार है? जो भी दुकान वहाँ अतिक्रमण, जमीन का भूमि का अतिक्रमण किए हैं, उन लोग का अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और वहाँ विद्युत सौदागरी का निर्माण कराया जाएगा, तो वहाँ लाइट की व्यवस्था होगी। आगे अगर मेरा सवाल यह रहेगा कि पंचायत भवन जो है हम लोगों का गंदासपुर पंचायत भवन, वहाँ जाने के लिए काफ़ी कठिनाई होती है, अभी तो किसी तरह पैदल चला भी जाता है, मगर बरसात के दिन में वहाँ आदमी जाने से कतराता है, तो पंचायत भवन जो है क्या उसका स्थानांतरण आप करेंगे या क्या कोई उसके बारे में सोच रहे हैं? ये सरकार के द्वारा स्कीम है पंचायत सरकार भवन बनाने का जी, लेकिन उसमें टेक्निकल फॉल्ट ये है कि जमीन जो है गंदासपुर गांव में ही चाहिए
जिस गांव के नाम से पंचायत है उसी गांव में वो जमीन उपलब्ध होना चाहिए जी। तो उसके लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है, जमीन उपलब्ध होते ही पंचायत सरकार भवन बनाया जाएगा जी। आगे आप युवा हैं, आपने युवाओं के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं? मैं युवा के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि युवा मेरे भाई हैं, उन लोगों के हमेशा सुख दुख में सहभागी रहूँगा, उन लोगों की नौकरी के लिए खेल कूद के लिए जो भी व्यवस्था होगी हमसे मांग करेंगे। और मेरा प्रयास ये चल रहा है कि मैं अपने पंचायत में छोटा सा स्टेडियम के निर्माण कराऊँ और खेलकूद के लिए उचित व्यवस्था कराऊँ ताकि मेरे युवा जो है खेले कूदे। और जो नौकरी में सर्विस में जाना चाहते हैं मेरी शुभकामना उनके साथ है। आपको नंदादो पंचायत की जनता आपको विजयी बनाई है, आप जनता के लिए क्या व्यक्त करना चाहते हैं? मैं जनता के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। धन्यवाद मुखिया जी। अभी आप नंदासुर पंचायत के युवा मुखिया पंकज तिवारी से मुखातिब हुए। यदि सुनो समाचार चैनल आपको अच्छा लगा हो तथा क्षेत्रीय खबरों से अवगत रहने के लिए सुनो समाचार को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।